जरूरत है चौकन्ना रहने की क्योंकि मुंबई पर आतंकी हमलों का खतरा अब भी टला नहीं है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि समुद्र के रास्ते फिर घुसपैठ कर सकते हैं आतंकवादी और निशाने पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और स्टॉक एक्सचेंज हैं। आतंकवादियों के निशाने पर अब भी है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी पर अब भी मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। इस शहर की जिंदादिली पर लगातार बनी हुई है आतंकियों की नजर। मुंबई के पुलिस कमिश्नर डी शिवानंदन ने कहा है कि शहर के कई महत्वपूर्ण इलाके आतंकवादियों की हिटलिस्ट में हैं। सबसे ज्यादा खतरा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर। देश के परमाणु कार्यक्रमों का केंद्र है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी आतंकियों की लिस्ट में ऊपर है। 1993 में पहला ब्लास्ट वही हुआ है। अगर हम कमर्शियल कैपिटल ऐसा हमको समझते हैं तो बीएससी इज द हार्ट ऑफ द कमर्शियल कैपिटल। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट वी आर हैविंग एनीथिंग लाइक दैट, बट इफ वी आर वेरी केयरफुल अबाउट इट, व्हाई एनीबॉडी शुड बी क्रिटिकल अबाउट दैट। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आतंकवादियों की नजर मुंबई के चप्पे चप्पे पर है, खासकर 5 सितारा होटल और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, जहां एक साथ बड़ी तबाही को अंजाम दिया जा सकता है। डी शिवानंद का कहना है कि आतंकवादी संगठन के निशाने पर बच्चों के स्कूल भी हैं। जाहिर है मुंबई पुलिस के लिए शहर की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। आदित्य अवन, मुंबई आज तक।